मेन समस्या हमारे गांव की यही है, जल भराव की। नमस्कार जी, मैं आया हूँ कसरेटी गांव में। हमारे साथ आज कसरेटी के सरपंच नरेश कुमार जी हैं और गांव के ग्रामीण हैं। कहते हैं आम आदमी अपने लिए जीता है और एक खास आदमी देश और समाज के लिए जीता है। ऐसे ही हैं नरेश कुमार और यहाँ से सरपंच हैं और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो अब जो जो गांव की समस्याएं हैं उनका ये सुधार करवाना चाहते हैं, उन समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत, इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। प्रधान जी, आप यहां से सरपंच बने हो कसरेटी से, आप पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, इस गाँव की समस्याओं को दूर करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस गाँव की? सबसे बड़ी समस्या भाई यहाँ की पानी की है। पानी की? हाँ, पानी भर जाता है टुब्बा का भी वैसा भी, वो निकासी है नहीं, पानी की निकासी नहीं, निकासी है। नहीं है तो यहाँ आसपास सब एरिया फुल हो जाए आगे बारिश का टाइम आएगा जब। प्रधान जी, जैसे जल भराव के कारण जो आप लोगों की फसल है वो भी खराब हो गई। हाँ, बहुत बर्बाद होगी, सब खराब। अभी कुछ दिन पहले बारिश आई थी उसके कारण गेहूँ की फसल खराब हुई है, तो आपके यहाँ पर कैसी दशा है? बिल्कुल खराब है, 70-80% फसल बर्बाद होगी। 70-80% बिल्कुल खराब होगी। हाँ जी। तो अब मुआवजा चाहते हो आप लोग? हाँ, मुआवजा चाहते हैं भाई। कितना मुआवजा होना चाहिए? वो तो जमींदार के हैं जो मेहनत कर रहे हैं, किले के हिसाब से जो है वो होना चाहिए भाई। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए भाई। पहला तो गिरदावरी हो उसका। हाँ, गिरदावरी हो, जहाँ जैसा नुकसान है वैसा मुआवजा मिल रहा है। अभी हो, इसी टाइम, इसी टाइम गिरदावरी हो। जैसे हमने देखा है कुछ गाँव में जैसे ओले आ गए थे, तो अपने यहाँ पर कैसी स्थिति है? नहीं, ओले तो ज़्यादा नहीं आए, लेकिन बारिश उसने गेहूँ बिल्कुल लटा दिए पानी ने। आंधी और तूफान ने बिल्कुल फसल बर्बाद कर दी। बिल्कुल। तो किसानों की हालत कति खराब हो चुकी है। खराब हो चुकी है भाई, मेरे गांव में तो पहले भी खराब थी, 2 साल से तो बू भी नहीं रहे थे किले, तो अब की बार बोए थे, अब की बार ऐसा काम हो गया। तो प्रधान जी कहना चाह रहे हैं कि इस गांव में जो जल भराव की समस्या है, समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है, तो इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है? प्रधान जी, समाधान तो है भाई, ये जो गांव का पानी है ये तो दोनों बूस्टर बना के और बदरों में पाइप दाब के दोनों ड्रेनों में पहुंचा दे या मोटर लगा दे, पाइपलाइन के द्वारा ड्रेनों में निकासी की जाए, निकासी की जाए, यहाँ परमानेंट रख दे, परमानेंट यही समाधान। और खेतों का वो है, वो जो चोगा तोड़ने वाले ट्यूबवेल हैं वो लग जाए। तो जैसे पढ़ाई से पहले कहावत कही जाती थी कि पढ़ने लिखने से बनोगे नवाब, खेल कूद करने से बनोगे खराब, लेकिन अब ये कहावत बदल चुकी है, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं और खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं। तो हमारे साथ हम आप इनसे जानना चाहेंगे प्रधान जी से, इनके गाँव में खेलों की व्यवस्था कैसी है? भाई, खेल की व्यवस्था तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कोई हमारे पास ग्राउंड नहीं है किसी तरह की, कोई वो नहीं है, गांव में स्टेडियम नहीं है, नहीं ना स्टेडियम नहीं है बिल्कुल, वैसा भी ना कोई जिम वगैरह कुछ नहीं है। तो पंचायती जमीन है आपके पास इतनी कि आपका यहाँ स्टेडियम बन सके? पंचायती ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है, हम दे देंगे पंचायती ज़मीन अगर सरकार चाहे ना, तो हम 2-3 एकड़ दे देंगे, क्यों हमारे वो जो है इतनी ज़मीन है, 8 एकड़ में हमारा जोड़ है वो पंचायत के नाम, उसमें से हम कुछ खाली पड़े उसमें दे देंगे, बाकी और पंचायती ज़मीन है नहीं कहीं भी। खेल स्टेडियम के लिए आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? हाँ, सौंपा था, वो बोले अगर ज़मीन दे दो, फिर ज़मीन की भी पहले तो थी नहीं, फिर हमने यहाँ पूछी तो भाई करवा लो, 2-3 एकड़ का साइड में छोड़ देंगे। किन को बोला था आपने? हम वहाँ गए थे मंत्री जी के पास, देवेंद्र बबली से मिल के आए थे। मतलब देवेंद्र पब्लिश आपको आश्वासन मिला खेल स्टेडियम का? हाँ, वो ये उसने ये बोला जमीन दे दियो भाई जी, बिल्कुल स्टार्ट में जब शुरू हुई जब उन्होंने बोला था जमीन दे दियो आराम कार्रवाई करेंगे, फिर जब जमीन नहीं थी अब जमीन करिए थोड़ी, अभी ग्रामीणों ने सहयोग किया है और देने के लिए तैयार। हाँ, ग्रामीणों ने सहयोग किया भाई, अकबर पंचायती जमीन देने के लिए 2-3 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ लाइब्रेरी भी है? नहीं, लाइब्रेरी नहीं भाई, कोई लाइब्रेरी कोई लाइब्रेरी ना, बस स्टैंड भी नहीं है, दूर दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। हाँ, दूर दूर जाते हैं, काफी टाइम बर्बाद होता है, रोहतक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोचिंग सेंटर भी नहीं, कोचिंग सेंटर भी नहीं है यहाँ, बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, इसके लिए आपने प्रस्ताव में भी दिया लाइब्रेरी दे रखा है, प्रस्ताव दे रखा है लाइब्रेरी का, दे रखा है ये लाइब्रेरी का दिया है।
ये लाइब्रेरी का भी दिया है, उसका जिम का भी दिया, सब दे रखे है। प्रस्ताव तो कुछ धरातल पर आए जब ये काम चल लगा भाई। तो क्या गया था जो भी बारिश हुई थी, जैसे जल भरा हुआ था, फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी उस टाइम पे, तो उसको ज्ञापन दिया गया था गिरोहतक जाके। फिर उसका समाधान हुआ? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ, ना तो मुआवजा मिला, पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला, मुआवजा भी वो जो पहले वाला नहीं, वो मुआवजा भी आँख देख के सबको नहीं मिला, जिसको हक था उसको नहीं मिला। और अभी जैसे कुछ गांव में मुआवजा आया है, लिस्ट आई थी, लिस्ट आई तो अपने यहाँ पर आई है या नहीं? आई है, उस पे पंगा चल रहा है, उस पे ये चल रहा है, जहाँ बहुत ज्यादा पानी खड़ा था, किसी के आए किसी के नहीं आए, काफी छूट गए। मतलब कुछ किसानों के बिल्कुल भी नहीं आए? हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं, कम से कम 70% किसानों का मुआवजा नहीं मिला, उनकी जो फसल थी वो बिल्कुल नष्ट हो रही थी, लेकिन कोई मुआवजा भी नहीं। गिरदावरी थी वो, गिरदावरी भी सही से गलत की गई है यहाँ से, तो दोबारा गिरदावरी हो, दोबारा वो पीछे वाली फसल का दोबारा कैसे होगा? अब इस फसल का गिरदावरी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए भाई, और उसका भी समाधान होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए भाई। एक खेत का मुआवजा मिल रहा है और उसके चारों तरफ है उनका नहीं मिल रहा है, पानी ही पानी, तो मुंह देख के जो उसको पटवारी को और उसको जो सेटिंग कर गया उसका मुआवजा आ गया, ऐसे था। तो अब जो जल भराव की स्थिति का निपटान के लिए, उसका समाधान के लिए परमानेंट इसके लिए अधिकारियों से मिलने वाले हो? हाँ, मिले, हम तो मिले भी थे कल, दो दिन पहले मिले। क्या बात हुई? वो कह रहे थे प्रधान जी करेंगे, एसडीएम साहब से मिले थे, मतलब आपका काम हो जाएगा आपको? हाँ, बोल रहे थे, आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया गया है, आश्वासन दिया गया, लेकिन तुम्हें देख के आए हैं, आप देखो देंगे कैसे। मिल तो बहुत बार, एक यहाँ गाँव से नाला बनाया है, वो नाला बिल्कुल रद्द है, जब से बनाया है उस पहले खत्म हो गया था, उसमें पानी नहीं चल रहा, तो खेतों में जाओ पानी, वो वहाँ तक ड्रेन तक पहुँच नहीं पा रहा। अगर आप लोगों की ये जल निकासी का समाधान नहीं होता तो आप क्या कदम उठाने वाले? कदम क्या उठाओगे भाई, हम तो ये है, और ऊपर लगा विंडो लगा, मुख्यमंत्री से मिलोगे? और मतलब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। सबसे मेन समस्या हमारे गांव की यही है, जल भराव की। कितना बड़ा गांव है? 2000 वोट हैं, 2000 वोट हैं। हाँ, गांव में पीने के पानी की समस्या है, पीने की समस्या है भाई, पीने की बाहर है, से जाते हैं, बाहर से आता है पीने का पानी, मतलब टैंकर भर भर के आते हैं, टैंकर है, फिर आरओ का पानी लगवा रखे है, वैसे सप्लाई लेते हैं, सप्लाई लेते हैं वहाँ घर घर देते हैं, दूसरे गाँव से, दूसरे गाँव से आते हैं, जो यहाँ वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता, जो आता है वो पीने लायक क्या कमी है उसमें? वो ट्यूबवेल लगा रखे, वो मीठा पानी नहीं है, टीडीएस ज्यादा हो गया, टीडीएस ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, मतलब नहाने धोने का ही इस्तेमाल, ना नहाने धोने का, कपड़े निकाल है, वैसे पानी की पूर्ति हो रही है उसकी? हाँ, पूर्ति हो रही है। तो अभी जैसे जो पानी की सफाई के लिए यहाँ शुद्ध पानी मिले, इसके लिए आपने अधिकारियों को बोला? हाँ, बोल रखा है, एसडीएम साहब से बोला था, नहर वाले से, वो बोल रहा है भाई सुधार करेंगे। और बाकी एक वो जो गुड़गांव में वाली जो नहर जाती है उस पर भी बात चल रही है भाई, उसका पानी यहाँ 10-20 गांव में जहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत है वहाँ आने की उम्मीद है। यहाँ की स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? स्कूलों की तो काफ़ी खराब है। कौन सी क्लास तक स्कूल है? स्कूल है एट क्लास तक है। हाँ, तो अभी जैसे जो बिल्डिंग है उनकी कैसी? आप देख लो ना, खत्म हुई खड़ी है, खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। और बच्चे की पहले से कम हो रहे हैं या ज्यादा? नहीं, बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में पूरा स्टाफ भी है या नहीं है? तो नहीं, स्टाफ है ही नहीं, 3-4 स्टाफ वाले हुए मिक्स पढ़ा रहे हैं, वही स्टाफ तो है नहीं, आधा स्टाफ है। तो इसके बारे में आपके क्या प्रयास है? प्रयास ये है भाई, अगर स्टाफ पूरा और हम बच्चे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समय समय पर स्कूल आदौरा भी करोगे? आदौरा करने लग रहे हैं, हमारा हफ्ते जाते हैं हफ्ते 10 दिन में, आई हमारा फोकस ये है इनमें कुछ बच्चे बढ़ावा, और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है स्कूल का सुधार करे, स्कूल का सुधार करो। एक यहाँ पर जो यातायात के साधन है उनकी व्यवस्था कैसी? यातायात की नहीं है भाई, कोई सुविधा नहीं, एक बस आओ, एक बस आओ, 2-3 चक्कर काटे, सुबह 7:30 बजे जाती है, उसके बाद 9:30 सापला जाती है, 11:30 उल्टी आ जाती है, बस और कोई साधन नहीं है। तो इसके बारे में जीएम से मिले? भाई पहले मिले थे एक बार, पहले एक बार लगा दी थी बस, उसके बाद फिर
हटा दी। एक लड़कियों के लिए बस लगा रखी थी वो भी हटा दी, अब जो लड़कियों कॉलेज में लेके जाती थी आती थी सफ़ेद से लगा रखी थी अब वो भी हटा रखी है। वाटर कूलर की भी जरूरत है, आदमी बरसात में धूप में सभी धूप में बाहर ही खड़े होते हैं, ना कोई वहाँ व्यवस्था है, सीधे रोड पे ही खड़े होते हैं। और वाटर कूलर गर्मी का मौसम आ चुका है, वाटर कूलर भी चाहिए भाई, स्कूल में भी चाहिए और अड्डों पे भी चाहिए, वाटर कूलर भी चाहिए, कूलर भी होना चाहिए। हाँ काफी समस्या इस गांव में तो भाई, तालाब पर बैठने की भी कोई जगह नहीं, लाइट बैठने की व्यवस्था नहीं, भैंसों को जोड़ में लेके जाते हैं बैठने की सुविधा नहीं है, और वह गलियों में बिल्कुल लाइट नहीं है कहीं भी, एक दो लाइट है पूरे गांव में, लाइट भी नहीं। लाइट कितने घंटे आती है? लाइट तो काफी आती है लेकिन जो बाहर गलियों में लगाते हैं लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, वो बिल में एडिटिंग है, बिल में ऐड हो के भी आती है लेकिन स्ट्रीट्स में लाइट है ही नहीं। तो स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए आपने प्रस्ताव दिया है? प्रस्ताव दिया बिल्कुल स्टार्ट में दिया था, फिर ये सरकार के साथ है उसमें चल गए तो अभी रुक रहा मामला। तो ये चाहते हैं कि पीने के पानी की समस्या का समाधान भी हो, और स्कूलों के बारे में प्रधान जी ने चर्चा की कि जो स्कूलों की व्यवस्था, आठवीं क्लास तक स्कूल है यहाँ पर, और आठवीं क्लास तक स्कूल होने के बावजूद यहाँ बिल्कुल स्कूल की हालत जर्जर है, ना शिक्षक हैं उस स्कूल में, एक दो शिक्षक आता है और जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी कम है। इसके लिए प्रधान जी घर घर जाकर एक तो पेरेंट्स को मोटिवेट करने वाले हैं, एक अधिकारियों से मिलने वाले हैं ताकि उस स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जा सके। तो इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए प्रधान जी और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।